हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन स्टू की रेसिपी। ये हमने चार प्याज ले लिए और ये अदरक लहसुन ले लिया है, जिसको जिसका हमें पेस्ट बनाना है। ये जो प्याज है उसको हमने छील कर काट कर फ्राई कर लिया है ऑयल में। और कुछ खड़े मसाले ले लिए, जिसमें ग्रीन चिली, रेड चिली, एक तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, काली मिर्च और दो लौंग हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। चम्मच ऑयल डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे प्याज में हम ऑयल, ये प्याज ऐड कर देंगे जो लिए थे हमने, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो हमारे ऑयल में आ सके। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन डालने के बाद हमें इसको अच्छे से चलाना है। अच्छे से भून लेंगे इसको बिल्कुल। अब इसमें ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। ये है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जो अदरक लहसुन लिया था उसका पेस्ट बना लिया है बिल्कुल फाइन, और इसको भी इसमें ऐड करना है। और हमने ये 2 टीस्पून दही ले लिया है घर का ही, और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो दही को स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हमें इसमें प्रेशर लगाना है, जिससे हमारा मटन अच्छे से कुक हो सके। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं इसमें। अब हमें इसमें प्रेशर लगा देना है। कुकर की लिड लगाने के बाद हमें इसे 4 प्रेशर आने तक अच्छे से पकाना है फुल फ्लेम में। हमारा गोश्त पक के रेडी हो चुका है। चलिए देखते हैं, इसका प्रेशर भी निकल गया है, अभी पका है या नहीं। ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल पक चुका है। अब हमें इसे अच्छे से भूनना है, जब तक कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो जल ना जाए। हाई फ्लेम में इसको हम 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए हमारा जो मटन है वो पूरी तरीके से भून चुका है। जो तेल होता है वो पूरा सरफेस में आ गया है। ये देखिए हमारा स्टू बनके तैयार हो गया। अब हम इसको हरा धनिया डाल के कंप्लीट कर देंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हमारा मटन स्टू बनके तैयार हो चुका है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
हमारा स्टू बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।